हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और ये है हमारा ब्लॉग नंबर 9 जो चैत्र नवरात्रि का है। तो इस दिन हमारा बर्थडे भी था और इस दिन नवरात्रि का लास्ट डे भी था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हमने किया और क्या क्या मतलब केक कटिंग किया हमने कि नहीं किया। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने केक कटिंग किया था कि नहीं किया था। तो चलिए वीडियो में बताते हैं। तो हम सबसे पहले चले गए मंदिर, और मंदिर में हम और हमारी बेटी का लुक सेम था। सभी लोग वहाँ चकाचौंध की तरह देख रहे थे कि ये माँ बेटी ही हैं, क्योंकि हम सेम दिखते भी हैं फेस से, और ड्रेस भी हमारा सेम था, कलर भी हमारा सेम था, सब कुछ सेम था। तो 9वां दिन था नवरात्रि का और हम हवन कर रहे थे मंदिर में, पंडित बाबा से करा रहे थे। हम थे, हमारी बहन थी, भाई बड़ा वाला, हमारे हस्बैंड भी थे, हमारी बिटिया भी थी। तो मैं और हमारा भाई दोनों जने 9 दिन का व्रत किए थे। तो हम लोग हवन कर रहे थे और ये दोनों लोग भी हवन कर रहे थे, क्योंकि बहन हमारी 9 रात्रि 9 दिन का रहती हैं, लेकिन इस समय थोड़ा उनका तबीयत नहीं ठीक था, डाउन थी, तो इसलिए उन्होंने नहीं हवन किया था, मतलब किया था लेकिन पूरा मैंने ही किया, ठीक है। तो उसके बाद हवन होने के बाद बाबा जी ने हमें रक्षा सूत्र बांधा। तो सबसे पहले हम बिटिया को अपने बधवाए, उसके बाद बाबा जी बड़े खुश थे कि कन्या है ये, क्योंकि पूरा कन्या लुक ही कर दिया था मैंने अपनी बेटी का। फिर हस्बैंड को मैंने आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे से पहले हस्बैंड नहीं है, क्योंकि वो मेरे गार्जियन है ना, एक शादी के बाद हस्बैंड ही गार्जियन होते हैं एक लेडी के लिए। तो हमने अपने हस्बैंड को आगे बढ़ाया, उसके बाद फिर हमारा नंबर आया और हमें भी बाबा जी ने डेली की तरह, वही बाबा जी हैं जो हमारे हर वीडियो में रहते हैं। तो फिर ये सारा कार्यक्रम हो गया, फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद कन्या पूजन करना था, तो सबसे पहले हमने कन्या 9 कन्या को जुटाया था हम लोगों ने, और फिर हमने सबसे पहले पैर धुलाया इस तरह से, टॉवल में पैर को पोछा। हमारे यहाँ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कन्या मान्यता है, मतलब कि नवरात्रि में 9 कन्या को खिलाने का बहुत ही विधि विधान से खिलाया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे खिलाते पिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या देते हैं। और देने का तो कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी कितना भी दे दीजिए, है ना। तो मैंने सारी कन्या लोगों का इसी तरह से पैर धुलाया, टॉवल से सोक कराया। फिर उसके बाद मेरी बहन भी इसमें, फिर भैया की बेटी भी थी, सभी मतलब अगल बगल की जहाँ भी कन्या जो भी मिली सबको हम लोगों ने बुलाया, इस तरह से सबका पैर वैर धुलाया। ये हमारी भैया की बड़ी बेटी है, सबसे बड़े वाले भैया की सबसे बड़ी बेटी, हमारे भैया नहीं एक्चुअली, वो हमारे बड़े पापा के लड़के हैं तो भैया ही हैं। तो मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि मतलब मेरे अपने भाई नहीं हैं, मतलब भाई हैं लेकिन वो बड़े पापा के लड़के हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद मेरी बेटी का नंबर आया तो उनके मामा जी ने उनका पैर धुलाया कि मैं अपनी राशि का मैं पैर धुलाऊंगा, तो ये पैर धुलाया क्योंकि ये भी 9 दिन ही व्रत थे। तो इन्होंने अपनी कन्या जी का पैर धुलाया और सच में बहुत प्यार करता है इसको, राशि को। उसके बाद ये भैया का बेटा है, ये भी बड़े पापा के ही बेटे की बेटा है ये, तो इनका भी पैर धुलाया गया। एक्चुअली एक भैरव जी को बैठाना था तो ये भैरव जी बन के बैठे थे, और मैं साइड में बैठ के देख रही थी कि हमारा भाई कैसे धुला रहा है, क्या कर रहा है। तो धुलाने के बाद सारा कार्यक्रम हो गया, मतलब धीरे धीरे देखिए कैसे कैसे क्या क्या हम सब ने किया। उसके बाद ये एक और भैया के बेटे थे तो इनका बाकी रह गया था, तो हमने बोला इनको भी कर दिया जाए भाई, इनको बुरा ना लगे कि हमें नहीं कोई किया, है ना, बच्चे हैं, बच्चे को बुरा लग सकता है, आप समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने बैठा दिया एक जगह से, फिर मम्मी इन लोगों को टीका लगा रही थी। टीका में अक्षत होता है, दही होता है और सिंदूर होता है, तो उससे टीका लगाते हैं। उसके बाद रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्योंकि एक कपड़ा दान देना होता है, तो हमने कपड़ा तो दिया लेकिन रक्षा सूत्र भी बांधना होता है। तो रक्षा सूत्र एक एक करके मम्मी बांध रही थी, एक्चुअली काट के पहले ही रख लिए हम लोग, काटने के बाद एक एक करके सभी कन्या लोगों को बांधा गया। ये घर के बगल की हैं तो सारी लोग आई थी। और उसके बाद फिर हमने कलर लगाया, आलता जो होता है, तो पहले कभी नहीं लगाई थी मैं, लेकिन अभी नया नया हर कोई कहता है कि नहीं आलता लगाया जाता है क्योंकि ये शुभ होता है, तो इसलिए हमने सभी कन्या लोगों को आलता भी लगाया। तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था और हमें भी बड़ी खुशी मिल रही थी, और बर्थडे था मेरा तो ये शुभ काम तो बनता है यार। तो हमने किया अपने मन तन धन से, और फिर ये सब लोग बैठे हुए थे, हमने मैं आ गई अपनी बिटिया रानी के पास। मेरी बिटिया रानी 9वें नंबर पे बैठी थी, तो 9वें नंबर की कन्या को मैंने ये लगाया। फिर उसके बाद भैया के बेटे को भी लगाई मैं आलता,
और इनको देखिए ये इस तरह से कह रही है कि जरा मुझे अच्छे अच्छे से लगा दो, कुछ इस तरह से बोल रही थी ये। तो मैंने कहा हाँ बेटा आप परेशान मत होइए, मैं धीरे धीरे से ही लगाऊंगी। फिर खाने को दिलाया, पूड़ी और हलवा दिलाया। कुछ लोग ये चना भी बनाते हैं, मैं भी चना बनाती हूँ, लेकिन यहाँ चना नहीं बनता तो इसलिए हमने स्किप कर दिया, क्योंकि नया नया नियम नहीं अच्छा लगता है लगाना, ठीक है निकालना। उसके बाद बहन इन लोगों को इस तरह से चुनरी बांधी और ये लोग खा रही थी, ऐसा लगे फीलिंग आए कि हाँ माता जी हैं ये लोग। उसका जिसको घट रहा मतलब जिसको चाहिए था एक्स्ट्रा तो मैं दे रही थी पूड़ी हलवा। और उसके बाद जब हो गया सारा तो मैं पानी भी देने लगी, क्योंकि पानी भी साथ साथ पीना है, शहर ना मीठा है तो मीठे के साथ पानी तो नीड हो जाएगी, लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों को, बच्चे हैं तो बच्चे खाना पानी साथ ही लेके बैठते हैं। तो उसके बाद हमने ये कुछ चीज़ें मंगाई थी देने को, छुहाड़े थे, पैसे थे, प्लेट थे और फ्रूटी था। फ्रूटी एक्चुअली गर्मी था तो इसलिए हमने फ्रूटी दिया, नहीं तो कुछ और भी दे सकते थे। तो ये इस तरह से मैंने सारी चीज़ें दे दे के एक एक जने का पैर छुआ और इन सब लोगों से आशीर्वाद लिया कि अरे भाई आशीर्वाद अच्छे से देना मुझे। तो ये लोग भी अच्छे से आशीर्वाद दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मन से ही दे रही थी, ठीक है। तो सारी लोगों का हो गया। उसके बाद मैं भाई को भी बोली, क्योंकि 9 दिन तो वो भी व्रत थे, तो मैंने बोला आप भी दे दो भाई, तो आप ये भी दिए। उसके बाद पापा भी उधर, पापा से हमने बोला कि आप भी दे दीजिए, कुछ और भी है, देखिए वीडियो में क्या और देंगे हम लोग। तो ये देखिए इधर लड़ाई भी हो रहा है भाई बहन में। तो उसके बाद मामा जी आ गए अपनी भांजी को देने, और यहाँ देने के बाद पहले ये हमारे भैया की बेटी हैं, तो देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रही हैं ये लोग, कन्या लोग छोटी छोटी प्यारी प्यारी। तो पापा बोले जो लेना देना है तुम लोग ले दे दो, मैं ऐसे ही पैर छू ले रहा हूँ, ठीक है। तो पापा ऐसे ही पैर छू लिए और उसके बाद लास्ट मेरे भाई ने भैया के बेटे को दिया, और उसके बाद फिर मम्मी दे रही थी। तो मम्मी क्या दे रही थी तो चलिए बताते हैं। तो मम्मी दी हैं पेंसिल कलर सारे बच्चों को, जो कि हमारी बहन के तरफ से था, इनका मन था कि हम पेंसिल कलर देंगे बच्चों को स्टडी मटेरियल। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मन होता है, दे दो। तो ये स्टडी मटेरियल पेंसिल कलर दी, तो मम्मी दे रही थी और ये पैर छू रही थी। तो उसके बाद बहन का भी नंबर आया, ये बोली कि मैं मतलब हम लोगों ने बोला आप भी दे दो भाई, आपका भी फर्ज है क्योंकि आप ही लेके आई हैं। तो ये भी दी और उसके बाद ये सबका पैर छू रही थी, और ये भैया की बेटी इनको भी पैर छुआ गया, सबको मतलब सारी कन्या लोगों को अच्छे से पैर छुआ गया, अच्छे से गिफ्ट दिया गया जितना हमारे से हो पाया, और बिटिया रानी को भी दिया गया। उसके बाद मम्मी पन्नी लेके खड़ा थी कि सब लोग इसी में रख लो नहीं तो गिर जाएगा, खोआ दोगे, पैसा है, फ्रूटी है, कुछ भी गिर सकता है ना, बच्चे हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं नन्हे नन्हे से, तो कुछ गिर सकता है, हमारे से गिर जाएगा तो बच्चे क्या हैं। तो फिर इस तरह से हमें आरती भी दिखाते हैं हम सब, और आरती दिखाने के बाद फिर हम इसको सभी एक एक जने को आरती दिखाएंगे, जिस तरह से माता जी का पूजा किया जाता है। फिर बहन भी दिखाई, और बहन के दिखाने के बाद मतलब जिस तरह से हमने किया उसी तरह बहन भी कर रही थी, सभी को एक एक जने को दिखाई। फिर मम्मी मेरी बैठ गई, कह रही अरे फोटो ले लो, तो मम्मी बैठ गई। उसके बाद इस तरह से कन्या लोग चली गई और फोटो भी क्लिक हुआ है, तो फोटो हमने कहीं अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं करता, पता नहीं फोटो अपलोड करने का अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं सारा अपना फ़ोटो सेव करके रख देती हूँ। तो ये लोग सारे लोग जा रहे थे अपने घर, सब पन्नी ले लेके इस तरह से रखे हुए थे, ऐसे तो कैरी बैग में देना चाहिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इस तरह से पन्नी में लेके ही चले गए। तो चलो यहाँ तक हमारा ये सब फंक्शन ख़त्म हुआ। उसके बाद चलिए अब दिखाते हैं कि आगे की प्रोसेस, आगे क्या हुआ, बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हुआ कि नहीं हुआ, हमने क्यों केक कटिंग किया कि नहीं किया, और कुछ स्पेशल हुआ हमारे लिए कि नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में और देखिए क्या हुआ। तो आ गया फाइनली, ये देखिए केक कटिंग हो रहा है, ये कोई क्रीम स्पेशल कटिंग मतलब केक स्पेशल नहीं है, मतलब क्रीम का केक नहीं है, ये नॉर्मल छोटा भाई मुझे मार रहे थे, और ये केक मेरी बहुत प्यार से खोए का घर के प्योर खोए से बनाई थी ये केक, क्योंकि फास्ट थी मैं 9 दिन, तो इसलिए इन्होंने यही बनाया हमारे लिए कि दीदी काट लेगी और सबको खिला देगी, क्योंकि इस दिन पारण का दिन नहीं था तो हमने पारण नहीं किया, तो यही केक कटिंग करके खाया हम लोग। अगर पारण रहेगा तो कुछ स्पेशल केक आए होते, तो इससे स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद मेरी दादी का था फोटो, तो दादी हर बर्थडे पे मुझे 11 रुपये या 21 रुपये देती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी, इसलिए मैं मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं दादी का पैर छू इनको खिलाई, फिर पापा को आई बाहर दुकान में खिलाने, फिर पापा से आशीर्वाद ली, फिर हस्बैंड जी को खिलाई जो मेरी दुनिया है, बताऊँ ये मेरे लिए क्या है। उसके बाद मम्मी का पैर छुई और मम्मी को भी ये केक खिलाई, और मम्मी मुझे खिला रही थी क्योंकि खोए का था तो खा सकते थे, व्रत था मेरा, लेकिन अगर मेरा बर्थडे अगर नवरात्रि नहीं रहा होता तो बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट हुआ होता, लेकिन
मेरे लिए इतना स्पेशल बर्थडे कभी नहीं हुआ कि सारी फैमिली के साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर पाई। फिर मम्मी ये सब बनाई थी, साबूदाना वड़ा बनाई थी, खीरा था, चटनी था, बस यहीं तक है, बाय बाय।